स्वागत हो रहा। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल गर्मी बड़ा चल रहा है पूरा उत्तर पश्चिम भारत में। दक्षिण में थोड़ा सा है लेकिन सभी स्थानों पर इतना नहीं है। तो कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि गुरुदेव ये जो भयंकर गर्मी पड़ रही है इसमें अपने आप को कैसे बचाएं, अपनी बॉडी को कूल कैसे रखें। तो आज कुछ हठयोग के कुछ प्राकृतिक उपाय और पद्धति बताएंगे जिससे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी ज़िंदगी से कि कैसे गर्मी पर विजय प्राप्त करें। समझ रहे हैं ना आप लोग? उसी से जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर करने का मतलब है अच्छाई को आगे बढ़ाना। जब दूसरों का भला सोचोगे, भला करोगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा और या फिर कहो प्रकृति या कहो अज्ञात जो सिस्टम है सृष्टि का, वो आपके लिए भी कई गुना हो करके अच्छाई आपके ऊपर बरसेगी या पहुंचेगी। कई सारे लोग बहुत कूलर चलाते हैं, बहुत पंखा चलाते हैं और एसी से गुजारा होता है उनका। कितना शरीर को कमज़ोर बना रखा है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारे ज्ञानगंज कुटी में पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन मैं अपने कक्ष में फैन का भी प्रयोग नहीं करता। आप कहेंगे गुरुदेव गर्मी नहीं लगती है? पसीना आता है लेकिन हम गर्मी को एंजॉय करते हैं, गर्मी को अपनी डार्लिंग समझ के एंजॉय करते हैं। आओ गर्मी आओ और लग जाओ हमारे गले से। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। लोग घंटों व्यायाम करके निकालते हैं पसीना, लेकिन प्रकृति का एक अपना तरीका है। सर्दी में जो आपके अंदर स्टोर हुआ अगर वो गंदगी रुक गई तो तुम बीमार पड़ सकते हो। इसलिए गर्मी की ऋतु में प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है और वो अपने आपके पसीने को बाहर निकालती है, अर्थात गंदगी को दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देती है और आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है। लेकिन हाय रे अज्ञानता मानव समुदाय की। मानव सोचता है कि पसीना आ रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ये कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर नहीं है, ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक तंत्र है। चाहे तो आप उसके लिए नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन अगर प्राकृतिक तरीके से ही करो, पद्धति से ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपका ह्यूमन सिस्टम मजबूत बना रहेगा। तो करना क्या है? सबसे पहले, और हाँ एक मज़े की बात बताओ, मैंने तो सोच रखा है कि अपने जीते जी आश्रम में एसी कभी नहीं लगने देंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। आपने देखा होगा एक वीडियो में पिछली 15-20 ऐसे पेड़ लगाए हैं जो फलदार भी हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी हैं, वायुमंडल को अपने शुद्ध करेंगे, जल स्तर को ठीक करेंगे। क्योंकि बहुत हो गए कंक्रीट के जंगल, जितना ज़रूरी है उतना ही कंस्ट्रक्शन करवाइए ईंट और सीमेंट का, बाकी कुछ स्थान कच्चा भी रहने दो ताकि आप प्रकृति से सीधे सीधे जब चाहो तो ज़मीन पर लेट जाओ, अलथी पलथी मार के बैठ जाओ, है ना। तो हम लोग इसीलिए बीमार ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया है। आप देखते हो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोरोना से पीड़ित वो लोग हुए जो एसी में रहने वाले लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर लिया, झेल नहीं पाए संक्रमण के लिए। आपने देखा जो प्रकृति के टच में रहते हैं, जैसे भिखारी हैं, जानवर हैं, इन लोगों को कोरोना नहीं हुआ, या हुआ होगा तो किसी को पता नहीं। भिखारियों को कहीं कोरोना होते हुए सुना आपने? कहीं भिखारी भर्ती हुए हो उनको कोरोना हुआ हो? नहीं, कोई रिपोर्ट्स आई। क्योंकि जो सीधे सीधे प्रकृति माँ के टच में रहता है निश्चित रूप से
उसके ऊपर कुदरत की कृपा बरसती है, वो क्षमताएं दे देती है विरोधी तत्वों से लड़ने की, कीटाणु बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की जो हानिकारक हैं आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले जो लोग गर्मी गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी करते रहते हैं, उन लोगों को भगवान कृष्ण का एक सूत्र सुनना चाहिए कि समा शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान हो शीतोष्ण सुख दुख के सु समा संग विवर्चिता। आप गर्मी के लिए आप शत्रु ना माने, आप ये समझो ये हमारा अतिथि है जो दो तीन महीने के लिए हार्डली आया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, हमें छिप कर के एसी में नहीं बैठना चाहिए, हमें सीधे सीधे संपर्क में रहना चाहिए, तभी वो आपके लिए अच्छा परिणाम देगी गर्मी। चलते हैं उस ओर, करना क्या है अगर आपको गर्मी से ज़्यादा परेशान है, तो सबसे पहले सुबह को लेटे जाने से पहले दो गिलास पानी, ताज़ा पानी, आधा नींबू निचोड़ करके उसके बीज निकाल देना, वो आपको सुबह लेटे जाने से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, जितना भी पहले हो सके आपको पीना है, बैठ करके पीना है, और ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, तले भुने पदार्थों को कम से कम खाइए। जो फल फल हैं, फलों में आप दोपहर में अगर पैसे वाले नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो आप टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हो जो सस्ती चीज़ें हैं, या दही या छाछ की मीठी लस्सी पी सकते हो, और दोपहर में 2-3 बजे के समय पर खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद में गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो आप पहले जौ का सत्तू खाते थे लेकिन अब बहुत कम लोग खा रहे हैं, है ना, तो आपके लिए जौ का सत्तू भी ले सकते हैं। ये चीज़ अगर नहीं है तो आप नींबू की सिकंजी पियो 1 से 2 गिलास, लेकिन उसमें नमक नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि नमक जो है अग्नि तत्व को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है। हाँ, अगर आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, मुंह का जायका ठीक नहीं है, तब नमक ज़रूर मिला सकते हैं, ठीक है। हाँ, खांसी जुकाम बुखार हो तो सिकंजी नहीं पीना चाहिए, दही भी नहीं खाना चाहिए, बचाव रखना चाहिए ऐसी चीज़ों से। ये तो एक प्राकृतिक एक तरीका ये हुआ खान पान को। दूसरा ये है, ये तो आपको करना ही है, दूसरा एक सबसे बेस्ट और तरीका है कि आप जो मुल्तानी मिट्टी है इसका आप पूरी बॉडी पर लेप करो, लेकिन इसमें शाम को भिगो दो मुल्तानी मिट्टी को 1 चम्मच, 1 से 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर माने 20 ग्राम के लगभग मुल्तानी मिट्टी को भिगो दो, उसमें आधा नींबू निचोड़ देना सुबह के लिए, कांच के बर्तन में भिगोना जो चाय का कप वगैरह होता है इससे, और उसको सुबह के लिए नहाने से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले उसका पेस्ट बना करके पूरी बॉडी पर आप लेप करें, और इसको लेप करने के बाद में आप छत पर बैठ जाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सुखासन पे लगा करके बैठिए और आप अनुलोम विलोम करेंगे, 25 से 50 बार अनुलोम विलोम करेंगे, बाया आपका बाएं सुर से बाएं नथुने से आपको श्वास को भरना है, और निकाल देना आपको दहने नथों में से। आप लोग कई सारे वीडियो देखते हैं जो योग के आचार्य हैं जो फिजिकल योगा दिखाते हैं, वो अनुलोम विलोम आप वहाँ से भी सीख सकते हैं अगर हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम तो योग के बारे में सैद्धांतिक और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक चीज़ें बहुत कम हमारे द्वारा दिखाई जाती हैं, क्योंकि मैं एक मेडिटेटिव व्यक्ति हूँ, बंदर की तरह ज़्यादा उछल कूद करके हम नहीं दिखा सकते, बाकी कभी इच्छा होती है तो दिखा भी देते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि मैं एक फिलोसफर हूँ, क्योंकि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, तो रामदेव की तरह उछल कूद करना, बंदर की तरह, ये हमारे द्वारा थोड़ा सा होना मुश्किल है, लेकिन अनुभव मेरे पूरे हैं, सुझाव मेरे बेहतर हैं, आप कम से कम 24 मिनट से लेकर के 48 मिनट तक आप सुबह को अभ्यास करें, लेटरिन जाने के बाद में आधे घंटे बाद 15 मिनट के बाद में आप मिट्टी को पोत लो जिस तरह से हम बता रहे हैं,
सिर पे भी लगा सकते हो, आपको रूसी नहीं रहेगी, बालों में चमक बढ़ जाएगी, ऐसा करना है आपको, ठीक है। एक इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रक्रिया है जो एकाकी साधु है, जंगलों में रहने वाले जो साधु हैं वो लोग अपने शरीर पर भस्म लगा करके, भस्म की जगह पर मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी बताया है। मुल्तानी मिट्टी से क्या होगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी जल्दी, त्वचा मजबूत रहेगी, चमकदार रहेगी, रंग साफ रहेगा, कील मुहासे झाइयाँ खत्म हो जाएंगी, इसलिए मैंने बताया है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन नींबू के साथ सुबह को नींबू मिलाना है उसमें, रात में नींबू मिला के नहीं रखना है। दोपहर में जिस समय सूर्य सबसे ज़्यादा प्रचंड होता है, जो लोग हठ योग की विशेष साधना करना चाहते हैं प्राकृतिक योग की, उन लोगों को ये उपाय है। गृहस्थ लोग चाहे तो करें चाहे तो ना करें, जिनके पास में समय है वो लोग करें, ये साधकों के लिए है स्पेशली। पूरे शरीर में आप दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में, माने 1.5 घंटे की यह साधना है, अगर 12:45 से कर दो और 1:45 बजे तक कर दो तो 2 घंटे की लगभग जो है, 12:45, 12:45, 12:45, माने 2 घंटे तक की ये स्पेशली आपको साधना करनी है। पूरे शरीर पर अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा लेप कर लो और लेप करने के पश्चात आप छत पर बैठ जाइए जिस समय सूर्य प्रचंड हो, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पूरे शरीर पे आप लेप कर, अनुभव की बात बता रहा हूँ, और नीचे आप, क्योंकि लिंटर गर्म होगा तो आप चटाई बिछा सकते हैं, चटाई के ऊपर कंबल भी बिछा सकते हैं, और सुखासन पे बैठ जाइए, सीधा पैर ऊपर रख लो, आलती पालती मार के बैठ जाइए। 25 बार आप अनुलोम विलोम करें और उसके बाद में हाथ में माला लो, माला लेने के बाद में आपको गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए या फिर पंचाक्षरी मंत्र की साधना करना चाहिए या फिर जो भी आपका इष्ट है वो करना चाहिए या फिर आप ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आप लगातार 2 घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 24 मिनट से लेकर 48 मिनट तक का ये प्रयोग आप करके देखिए। अगर आप ये जो गर्मी है ना, ग्रीष्म है, अगर ये आपका मित्र ना बन जाए तो कहना कि गुरुदेव आपने क्या बताया, आपकी इम्यून सिस्टम अगर मजबूत ना बन जाए तो कहना कि गुरुदेव आपने फालतू चीज़ बताई। इससे आपकी क्षमता, बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, संक्रमण दूर होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होगी, खांसी जुकाम से परमानेंटली आपको निजात मिलेगी और गर्मी पर आप विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है। बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ये चीज़ लगी हुई होगी तो आपका गर्मी में काला रंग भी नहीं पड़ेगा, ये गुप्त बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको उसका जब तक सामना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा डर नहीं ख़त्म होगा, ये मनोवैज्ञानिक नियम है। तो गर्मी कहाँ से आ रही है, सूर्य से, तो तपते हुए सूर्य के सामने बैठ के आपको आराधना करनी है। आंखें खुली रहें चाहे बंद रहें, थक जाएं खुली खुली तो बंद कर लो, अगर ध्यान कर रहे हैं तो आप अलग अलग जैसे आपके गुरुओं ने बताया उस तरह से ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ये जो हठ योग का तरीका है, प्राकृतिक योग जो है ये, इसको अपनाइए, फिर देखिए ये सबसे उत्तम प्रक्रिया है। खान पान भी ध्यान रखना है और ये जो तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जब गर्मी से उठे, जब आप उठ करके जाओ दोपहर में तो तुरंत स्नान मत कर लेना, कम से कम छाया में बैठ करके 30 मिनट आपको नॉर्मल होना चाहिए जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, नहीं तो आपको गठिया की शिकायत भी हो सकती है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो, और जिनके पास में समय ना हो वो सुबह के समय में, सुबह के सूर्य उदय के समय पर ये प्रयोग अपना सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय हो, जो विशेष हठ योगी बनना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को दोपहर की साधना करना चाहिए। आपने देखा बहुत सारे जो साधु होते हैं, आपने पंचाग्नि तापते हैं, धूना तापते हैं, चारों तरफ कंडे जला करके आग, और उस तरह से तापते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ईजी करके बताया है। लेकिन अगर आपने ये भी कर लिया, कितने दिन करना है, कम से कम 45 दिन तो करिए, फिर देखिए चमत्कार।
जब तक गर्मी रहे तब तक करो, ठीक है। अब बरसात हो गई तो अगर ज़रूरत लग रही है तो बहुत सारे लोग बरसात में भी बैठ करके अपनी छत पे अपने नियम का पालन करते हैं, आने दो बरसात के लिए, वो भी हमें झेलना है। रावण की तरह पहले के जो असुर शक्तियाँ होती थी, तो इसी तरीके का हटियो की जो शाखा है इसको अपनाते थे। ये हटना नहीं है, डटे रहना है, अपने मंत्र की साधना करना है या ध्यान करना है, तब जा करके राजा इंद्र का भी सिंहासन हिलता था। ये कौन हठयोगी है, कौन तंत्र योगी है, कौन मंत्र योगी है, जिसने हिल वाइब्रेशन से, इतना वाइब्रेशन होता था उसकी प्रार्थना पुकार से कि हिल जाता था सूक्ष्म जगत में राजा इंद्र का सिंहासन। थैंक यू सो मच। विषय बहुत लंबा है, मज़ेदार है, आप बोर हो सकते हैं हमारी लंबी वीडियो को देख के, इसलिए हमने छोटा कर रहे हैं। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ये ग्रस्त लोगों को मैंने तरीका बताया है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो सन्यासी जीवन के वो हट बचा दी हैं ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। ओम।